अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट टू चैप्टर टू डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.6 हम स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं और 2.6 के हमने पार्ट 8 तक सॉल्व कर दिया था। आज हम देखेंगे पार्ट 9 और ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है। तो आइए देखिए क्या है पार्ट नंबर 9। वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब 2x² + 1। यहां लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx ओवर dx e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एक्स क्यू 2x² + 1। इस पर स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल u into v form, u derivative of v plus v derivative of u, ये फार्मूला इस पे यूज करना जी। फार्मूला इस पे अप्लाई करें, पहला जो फंक्शन है इसको आप नाम रख दीजिए u का और इसे नाम रखें v। u derivative of v, फिर प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u, e रेस्ट टू पावर माइनस x एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा तो इसके साथ मिलके 4x, अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x क्यूब 2x² + 1, e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ही होगा और फिर इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1। इन दोनों से e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉमन, 3x² + 4x माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x² - 1, e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब 3x² - 2x² + x² + 4x - 1। इससे ज़्यादा ये स्टूडेंट सिंप्लीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 10। पार्ट 10 है जी, y इज इक्वल टू x e रेस्ट टू पावर साइन एक्स जी, इसे डिफरेंशिएट करना। यहाँ पर भी आप पहले डेरिवेटिव का साइन ले लें, dy ओवर dx x e रेस्ट टू पावर साइन एक्स। अब इस पे फिर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u और e रेस्ट टू पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस्ट टू पावर एफ ऑफ एक्स, फिर हमने डेरिवेटिव लेना है इस एफ ऑफ एक्स का। तो x e रेस्ट टू पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव e रेस्ट टू पावर साइन एक्स ही लिखेंगे और फिर इस पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा जी साइन एक्स का, इसका डेरिवेटिव आएगा, फिर प्लस e रेस्ट टू पावर साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस का e रेस्ट टू पावर साइन एक्स और इन दोनों से अगर हम e रेस्ट टू पावर साइन एक्स कॉमन ले लें तो x कॉस एक्स और प्लस का 1। ये है जी इसका डेरिवेटिव, इससे ज़्यादा इसने सिंप्लीफाई नहीं होना। नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर 11। पार्ट 11 जी, पार्ट 11 में है y इज इक्वल टू 5 e रेस्ट टू पावर 3x - 4। यहाँ भी पहले डेरिवेटिव का साइन,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, फाइव कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आ जाएगा ई रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस फोर। स्टूडेंट्स ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स ही होगा, फिर इस पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का, तो फाइव ई रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस फोर, फिर डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर, फाइव ई रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस फोर, एक्स का वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, फिफ्टीन ई रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस फोर। ये है जी हमारा पार्ट नंबर 11। नेक्स्ट स्टूडेंट से एक टाइप आ रही है डिफरेंशिएशन की कि अगर वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाए फिर किस तरह डिफरेंशिएट करना है। इससे पहले हम लोग सॉल्व करते रहे हैं वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट हो, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो, लेकिन अब एक डिफरेंशिएशन में नई चीज़ आ रही है कि अगर वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाए तो फिर हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो इसके लिए अब आप इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।